फिर से आप सबका स्वागत है टेक गुरु चैनल पर और मैं हूँ टेक गुरु। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। बहुत दिन हो गए मैंने वीडियोस नहीं डाली थी, थोड़ा सा मैं मुझे भी ऑफिस का काम होता है, थोड़ा बिजी रहता हूँ। बहुत सारे ईमेल्स को मैंने अभी तक जवाब नहीं दिया है। अगर किसी ने मुझे सीवी भेजा है तो उसकी आप फिक्र ना करें, ओके, वो प्रोसेस नहीं है, क्योंकि आपको एक मेरा मैसेज आ गया होगा कि आपका सीवी मुझे मिल गया है, ठीक है। उसका ये एक्नॉलेजमेंट होता है कि आपका सीवी मुझे मिल गया है, ठीक है। तो बार बार पूछने की भी जरूरत नहीं है दोस्तों कि सर सीवी मिला या नहीं मिला, ठीक है। थोड़ा सा मुझे भी मेरा ऑफिस का ही काम होता है, वो संभाल के मुझे ये वीडियोज बनाने पड़ते हैं, सबको आंसर देना पड़ता है। थोड़े से पहले हमारे सब्सक्राइबर कम थे, कमेंट्स कम आते थे, ईमेल्स कम थे, मैनेज होता था, मगर अभी क्या हो गया है, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे ईमेल्स भी आ रहे हैं। हमारा फेसबुक पे भी अकाउंट है, ब्लॉग भी है हमारा, ट्विटर पे भी अकाउंट है, मगर मैंने कहीं पे मैं रिप्लाई नहीं देता हूँ सिवाय यूट्यूब और ईमेल के, ठीक है। हमको एक ही सोर्स रखना है कॉन्टेक्ट्स का या कम्युनिकेशन का, वो रहेगा सिर्फ यूट्यूब या ईमेल, ओके। क्योंकि अगर मैं वहाँ पे भी सबसे बातें करने लगूंगा तो वो मैनेज होना बहुत मुश्किल हो जाए, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा आपके कमेंट्स को रिप्लाई देने में, या आपके क्वेश्चंस को रिप्लाई देने में, या आपके ईमेल्स को रिप्लाई देने में, या मगर जो सीवी मुझे आ रहे हैं वो प्रोसेस में है, ठीक है। उसके बारे में आप सोचिए मत, ठीक है। आपने डाल दिया सीवी, बस खत्म, उसके बारे में सोचो मत। आप अपना खुद का ट्राई करते रहिए, ठीक है। और भी मैं बार बार यही कहना चाहता हूँ कि इंडिया से ही ट्राई करना है, जॉब वहीं से मिल जाती है, आपको यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं। अगर बहुत बंदा फ्रस्ट्रेट हो रहा है, उसे नहीं मिल रही है, शायद उसका लक कम है, तो वो बंदा यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। तो उसके लिए भी कुछ टिप्स बताऊंगा मैं कि अगर यहाँ पे बंदा आता है तो उसको क्या करना है। तो पहली दफा तो जब वो यहाँ आने का प्लान बनाता है, जैसे मैंने पहले वीडियोज में बताया कि अभी नहीं आना है आपको, ठीक है, रमजान होने तक, रमजान के बाद आपको जुलाई में या जुलाई के बाद में आपको यहाँ पे आना है, अगर कोई बंदा यहाँ पे आना चाहता है तो। मेरे रिकमेंडेशन है यहाँ आने की जरूरत नहीं है, विजिट पे आप वहीं से जॉब ढूंढ सकते हो, वहीं से आपको वीजा भी मिल जाएगा, सब कुछ वहीं से होता है। शायद कुछ बंदों को यह अजीब लगे कि सर ये सब ऐसा पॉसिबल है, दुबई का जॉब घर बैठ के कैसे लग सकता है, ये पॉसिबल है। आपको मतलब शौक लगेगा, या आपको जब मिलेगा वीजा, या आपका कॉल आएगा आपको, या आपको रिप्लाई आएगा कंपनी की, बहुत सारे बंदों को मिला भी है जॉब, बहुत सारे बंदों का भी प्रोसेस में है वीजा, ठीक है। आसान होती है चीजें, मगर बहुत लोगों को पता नहीं होती है, इसलिए वो बड़ी मुश्किल या बड़ी बहुत कुछ तो अलग लगता है, ठीक है। तो हाँ, कुछ लोगों के क्वेश्चंस थे मुझे कि सर दुबई आने के बाद अगर जॉब मिलता है तो रहना कहाँ है, ठीक है। तो उसका आंसर ये है दोस्तों कि अगर आप यहाँ पे दुबई में काम के वीज़ा पर आते हो, ठीक है, तो कंपनी का अगर अकोमोडेशन है तो कुछ तकलीफ नहीं है, कुछ बात नहीं है। कंपनी का एक पीआर होता है या एक आदमी होता है जो आपको एयरपोर्ट लेने आता है, ठीक है, तो वो बंदा आपको छोड़ देगा, आपके अकोमोडेशन, आपका जहाँ पे रहने का बंदोबस्त किया होता है इन लोगों ने, कंपनी ने, तो वहाँ पे आपको ये बंदा छोड़ देता है। दूसरे दिन भी आपको लेने के लिए आता है, आपको वहीं से वो ऑफिस लेके जाता है, फिर आपसे बातें करता है। आपको अगर पैसे की कमी हो तो कंपनी से आपको एडवांस सैलरी भी मिल जाती है दोस्तों, ठीक है। तो आसान चीज़ें होती है, बस आपको पता नहीं है, इसलिए बहुत बड़ी लगती है। मुझे जब वीजा आया था तो मुझे भी लग रहा था अभी रहना कहाँ है, क्योंकि मेरे कंपनी में तो अकोमोडेशन नहीं था, तो रहना कहाँ है। तो बात ये हो गई दोस्तों, मैंने थोड़ा सा मुझे डर लगा पहले कि अकोमोडेशन नहीं है, अभी रहना कहाँ है, वीजा आ गया, सब आ गया, अभी मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कंपनी से रिक्वेस्ट करी सर कि सर एक महीने के लिए मुझे अकोमोडेशन अरेंज करवा दो, बस कंपनी करवा देती है आपके लिए अकोमोडेशन, एक महीने के लिए या 15 दिन के लिए अकोमोडेशन वो अरेंज करवा देती है। फिर कंपनी का आदमी आपको एयरपोर्ट पे लेने आता है, वो छोड़ता है, ठीक है, सब
आसानी चीज़ें होती है दोस्तों, मतलब ऐसा नहीं कि दुबई में काम कर रहे हो तो तुझको अलग करना है, ठीक है, कुछ भी नहीं होता है, सिंपल होता है। जैसे मेरे पहले वीडियो, अगर आप नए सब्सक्राइबर हो या आपके बहुत सारे क्वेश्चन है तो आप मेरे पहले वीडियो देख लीजिए, आपके सब जो डाउट्स हैं क्लियर हो जाएंगे, दुबई के बारे में जो भी डाउट्स आपके हैं वो क्लियर हो जाएंगे। आसान चीज़ें होती है दोस्तों, बहुत मतलब हम लोग उसको कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं, मतलब नहीं है इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें दुबई में जॉब अगर लगना है तो, ठीक है। बहुत सारी वैकेंसीज अभी रमजान के बाद तो बहुत सारी मतलब वैकेंसीज आती है, क्योंकि वो साल खत्म हुआ होता है, मतलब एक नए सिरे से मार्केट शुरू होता है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी तो कोई विजिट पे ना आए, ओके, बाद में अगर विजिट में कोई बंदा आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, मतलब रमजान के बाद अगर यहाँ पे कोई बंदा विजिट पे आता है तो उसके लिए कुछ टिप्स मैं बताता हूँ, जॉब उसको कैसे ढूंढनी है, ठीक है। तो अगर जो भी बंदा जो भी काम करता है, ठीक है, तो वो बंदे को उस रिलेटेड कंपनी सब सर्च करनी है पहले। आप इंडिया में हो, इंडिया से सर्च कर लो, पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से सर्च कर लो, आप जहाँ पे भी हो आपको वो कंपनी पहले डेटाबेस बनाना है दोस्तों। अगर आप जुलाई में आना चाहते हो, अभी तो आप जॉब वहीं से ट्राई कर रहे हो, सही है, अगर नहीं मिल रहा है तो आपको जुलाई में अगर आ रहे हो तो आपको डेटाबेस बनाना है। डेटाबेस मतलब एक्सेल शीट बनाओ, सबको अभी एक्सेल पता है, तो उसमें आपके रिलेटेड कंपनी सब आपको टारगेट करनी है, लिखनी है कि दुबई में कहाँ पे है, अबू धाबी में कहाँ पे है। और एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आपको सिर्फ दुबई ही पता हो तो दुबई में थोड़ा सा कंपटीशन ज़्यादा होता है, जॉब लगने में थोड़ी सी देर होती है, क्योंकि एक वैकेंसी के 10 बंदे रेडी होते हैं, ठीक है। तो आपको पहले भी वीडियोज में मैंने बताया था कि दुबई के साथ जो दूसरी सिटीज है, अबू धाबी, शारजा, अजमान, अल ऐन, जिरा, रसल खेमा, तो वहाँ पे भी आपको टारगेट करना है, ठीक है। मुझे तो लगता है कि आप दुबई में जा ही नहीं, आप अबू धाबी में आओ, आप शारजा में जाओ, आप अलग सिटी में जाए, क्योंकि दुबई में कैसा होता है, एक तो खर्चा आपका बहुत होता है, एक तो बंदा विजिट पे आता है, एक तो वहाँ पे कंपटीशन ज्यादा है। दुबई में एज कम्पेयर टू अदर सिटी रहने का खर्चा बहुत ज्यादा होता है। अगर अबू धाबी में बेड स्पेस का होता है 600-500 दिरहम, तो दुबई में स्टार्ट ही होता है 800 दिरहम से। यहाँ पे अबू धाबी में टैक्सी स्टार्टिंग होती है 3.5 दिरहम से, दुबई में स्टार्टिंग होती है 10 दिरहम से। मतलब यहाँ पे अगर टैक्सी में आप बैठते हो तो आपकी टैक्सी स्टार्ट होती है 50 रुपए से, वही टैक्सी दुबई में अगर आप बैठते हो तो स्टार्ट ही होती है 200 रुपए से। ये डिफरेंस होता है दोस्तों। तो मुझे तो लगता है कि आप दुबई को थोड़ा सा, दुबई नाम ही है तो आपको दुबई, मतलब ये जो मैंने बाकी सिटी बताई है आपको, दादी ये सब पास में ही है, 1 घंटे का सफर होता है बस से, ठीक है। तो अबू धाबी तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, मुझे दुबई जाने का मन भी नहीं करता है, इतनी शांत सिटी है, एकदम बढ़िया है सब। मतलब मुझे भी पहले अट्रैक्शन था दुबई, दुबई का एक दो बार जाके भी आया हूँ बहुत बार, मगर अबू धाबी बहुत अच्छी लगती है। तो आपको भी क्या करना है, आप यहाँ पे कमाने के लिए आते हो दोस्तों, पैसा कमाने के लिए, उड़ाने के लिए नहीं। अगर आप उड़ाने आ रहे हो तो जाओ दुबई, क्योंकि आपको सेविंग का भी देखना, अच्छी सैलरी में सेविंग भी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपको 50-60 हज़ार सैलरी मिल रही है यहाँ पे, तो खर्चे भी कम करने का आपके ही हाथ में होने चाहिए ना, तो उसका दिमाग, उसके लिए भी थोड़ा सा सोचो, चीज़ें आसान होती है दोस्तों, आप लोग ही उसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, ठीक है। तो दुबई तो टारगेट कीजिए, मगर दुबई ऐसे हो गया ना, अभी मुंबई, पुणे, दिल्ली, एक जॉब हो तो 10 बंदे होते, 10 नहीं, अभी इंडिया में तो बात की जाए, अगर एक वैकेंसी हो तो 1000 बंदे, 10,000 बंदे होते, वही तो बात दुबई में भी है, ठीक है। थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा है, क्योंकि सब लोगों को दुबई ही पता है ना। जैसे अगर इंडिया से बंदा है तो हर तरफ से बंदे कहाँ पे आते हैं, मुंबई में आते जॉब ढूंढने के, ठीक है। तो ये दुबई तो ऐसा है कि सब जो हमारा वर्ल्ड है ना, सब तरफ से बंदे आते हैं दुबई,
थोड़ा सा टाइम लगेगा ही ना, कंपटीशन ज्यादा है, कंपटीशन इम्पोर्टेंट है, मतलब वो देखो वो पॉइंट इम्पोर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, मुंबई नहीं टारगेट करना है आपको, पुणे टारगेट कर, पुणे भी अभी ज्यादा हो गया, चलो छोड़ो। तो इसके पांच की सिटी देखनी है आपको, कि आपको दुबई भी आना जाना हो और जॉब भी हो जाए, सेविंग भी हो जाए, आपकी सैलरी भी बढ़ जाए, ठीक है। कुछ नहीं, नए टॉपिक पे भी अभी वीडियो बनाना शुरू कर दूंगा जॉब्स के बारे में। बहुत सारे बंदे मुझे पूछते हैं, सर ट्रक ड्राइवर पे वीडियो बनाना है, ड्राइवर पे तो मैंने पहले ऐसे ही वीडियो बनाया है, टेलरिंग पे एक वीडियो बनाना है, रेस्टोरेंट जॉब्स के बारे में भी एक वीडियो बनाना है, ठीक है। रेस्टोरेंट जॉब भी यहाँ पर बहुत सारी है दोस्तों, ठीक है, मगर मैं आपको रिकमेंड नहीं करता हूँ वो जॉब, रिकमेंड मतलब मैं आपको नहीं बोलूँगा कि वो जॉब करो, क्योंकि रेस्टोरेंट जो होते हैं यहाँ पे छोटे छोटे वाले, तो वहाँ पे आपको जॉब मिल जाएगी दोस्तों, मगर वहाँ पे छुट्टी नहीं होती, ये मेन मसला है, ये मेन प्रॉब्लम है यहाँ पर। तो अभी तक मैंने वो वीडियो इसलिए नहीं बनाई थी छोटे रेस्टोरेंट पे, क्योंकि वहाँ पे वही है कि छुट्टी नहीं होती है, मतलब हर दिन आपको काम करना है, मतलब अभी यहाँ पे दुबई में फ्राइडे को छुट्टी होती है दोस्तों, तो रेस्टोरेंट छोटे जो है ना वो ओपन ही रहते हैं, तो उसको फ्राइडे भी छुट्टी नहीं है, मतलब आपको महीनों पूरा साल बिना छुट्टी के काम करना है। तो आदमी तो आदमी है ना दोस्तों, ये पूरा साल काम नहीं कर सकते ना, तो इसलिए वो रेस्टोरेंट पे वीडियो नहीं बनाई है। यही मतलब पॉइंट था कि कितना भी बड़ा कितना भी छोटा आदमी हो उसको छुट्टी चाहिए होती है दोस्तों। बड़े होटल में आपको छुट्टी मिल जाएगी, मगर छोटे जो रेस्टोरेंट होते हैं उसमें छुट्टी नहीं मिलती है, ये मेरा मतलब। आप आपको अगर डाउट है तो आप आपके दोस्त से या कोई आपका रिश्तेदार यहाँ पे है तो उससे पूछ लीजिए। छुट्टी होती है रमजान पे रेस्टोरेंट, वो बंदे एक महीने के लिए, तो ये तो ना इन सब पे हो गई ना। फिर अभी मुझे भी रमजान में छुट्टी मिल, मतलब रमजान में ऐसे तो काम ही नहीं होता ना, तो मतलब एक महीना तो छुट्टी सबको होती है एक साल के बाद, मतलब हाँ सैलरी अच्छी मिल जाएगी आपको रेस्टोरेंट जॉब में, मतलब छुट्टी नहीं है इसलिए। और क्या करना है ना, आदमी इतना भी पैसे के बारे में नहीं सोचना कि आपकी पूरी हालत खराब हो जाए, इसके बारे में सोचना है आप यहाँ पे घर बार छोड़ के आप क्या आते हो, आपके फैमिली के बारे में सोचना है, ठीक है। तो मैं तो ये वीडियो नहीं बनाऊंगा रेस्टोरेंट जॉब्स के लिए, क्योंकि अभी तो पॉइंट मैंने बता दिया है, ठीक है, आगे जाके बनाऊंगा और वीडियोज दूसरी जगह पे छोटे छोटे जॉब्स पे भी बनाऊंगा, जैसे टेलर का जॉब होता है, टेलर के जॉब के लिए, या वॉच रिपेयर के जॉब के लिए, ये कैसे ढूंढनी है, बहुत सारे बंदे हैं जो ढूंढ रहे हैं। हमारे एक अकलाक भाईजान भी है, वो अभी सऊदी में है, उनके लिए भी अभी कार वॉच रिपेयर की जॉब देख रहा हूँ मैं, हो जाएगा, रिप्लाई नहीं आया वहाँ से। बहुत सारे बंदों का मतलब मैं पर्सनली भी ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है, जिन मतलब पर्सनली तो सबके लिए ही है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कुछ बंदे बहुत नज़दीक है कुछ बंदे बहुत नज़दीक नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जिन्होंने भी मुझे CV भेजा है सबके लिए ट्राई शुरू है, जिसने भी मुझे जिनके पास पासपोर्ट नहीं है वो मैं अभी कंसिडर नहीं करता हूँ, क्योंकि उनको इंटरटेन करने का कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पहले कम थे अभी बहुत रिप्लाई आते हैं, ठीक है। और एक बार मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप दुबई के लिए अप्लाई करना छोड़ दें, आप खुद का टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप दूसरों का भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, आपकी वजह से दूसरे 10 बंदों को काम रुक जाता है, ठीक है। बहुत सारे ईमेल्स भी आ रहे हैं दोस्तों, मतलब थोड़ी परेशानी होती है कब कब की, मैं भी खुद भी काम करता हूँ जॉब करता हूँ, तो सबको रिप्लाई करना, वो टाइम निकाल के कमेंट्स का रिप्लाई करना, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो चलो करूँगा कुछ तो एडजस्टमेंट, ऐसा नहीं कि सब कुछ छोड़ दूंगा, सबको रिप्लाई भी करना है, इम्पोर्टेंट है। आप इतना विश्वास करके, इतना ट्रस्ट करके मुझे सवाल पूछते हो, तो मेरा हक बनता है आपको आंसर देना, ठीक है। अगर किसी बंदे का मैंने कमेंट का रिप्लाई नहीं दिया है तो वो प्लीज़ बार बार कमेंट डाल दे, ताकि मुझे वो दिखाई दे। कभी कभी एक दिन अगर मैंने कमेंट का रिप्लाई नहीं दिया तो बहुत सारे कमेंट आते, मतलब हज़ारों कमेंट्स आते दोस्तों,
हर वीडियो पे कमेंट्स आते हैं, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। समझ लीजिए मैं भी इंसान हूँ, ठीक है, कुछ नहीं। जो लोग जॉब सर्च कर रहे हैं वो ज़्यादा मतलब ताकत से जॉब करें, निगेटिव पॉइंट को सोचा ना करें। निगेटिव हो रहा है तो उसके बारे में सोचा ना करें, क्योंकि निगेटिव अगर सोचोगे तो निगेटिव होता है आपके साथ। ठीक है, पॉजिटिव, बस बी पॉजिटिव। मैंने जैसे पहले बताया कि आपको पागल बनना है दुबई के बारे में, बस पागल बनो, हो जाएगा आपका काम। रास्ते में हो, आज नहीं कल नहीं परसों पहुँच जाओगे, ठीक है। बहुत सारे बंदों को अभी रिप्लाई, मेल पे रिप्लाई भी आना शुरू हो गया है दुबई से, बहुत सारे बंदों को आ गए। अभी मैं उनकी लिस्ट नहीं बनाऊंगा, अभी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जब ये थोड़ा सा सब हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है दोस्तों, मतलब सब इसके लिए खाली बंदा चाहिए, खाली बंदा। मैं हूँ काम वाला बंदा, खाली बंदे को अगर हो तो पूरा कर सकता है। और मैं काम के, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि करना नहीं है, हम लोग करेंगे, ठीक है। जिस प्रमोटो के साथ हमने ये चैनल शुरू किया था वो कंप्लीट मतलब हो गया है कि इंडिया से बंदों को जॉब मिल रही है, वो इम्पोर्टेंट था। बहुत सारे बंदों को मिली है दोस्तों, आपको भी मिलनी चाहिए, मिल जाएगी, ठीक है। ट्राई करना मत छोड़िए, बस करिए। छोटे छोटे आपके क्वेश्चंस हो मुझे ईमेल कीजिए, और प्लीज़ नंबर मत पूछिए दोस्तों, मैं नंबर किसी को नहीं देता, ठीक है, नहीं देता हूँ यार नंबर, बहुत मतलब ये पागल बन जाओगा मेरे से। आपको आपको लगता है सर कि आपका ये चैनल बंद पड़ जाए, ठीक है, मेरी भी पर्सनल लाइफ है, ठीक है, तो थोड़ा सा और मुझे बड़ा नहीं बनना है दोस्तों, बड़ा मतलब जैसे पब्लिश, यार अभी इतने सब्सक्राइबर हो गए तो थोड़ा नाटक करने लगे। सिंपल लाइफ अच्छी लगती है मुझे, बस सिंपल ही रहना है। मैं इसलिए मेरा नाम भी कभी नहीं बताता हूँ, कहाँ से हूँ का कभी नहीं बताता हूँ, मेरी खुद की जानकारी मैं ज़्यादा नहीं देता हूँ। मुझको नहीं बनना है, मुझे फोकस में भी नहीं आना है, मुझे सिर्फ हेल्प करनी है लोगों की, बस वही इम्पोर्टेंट है। ये फोकस में आके वो लाइफ मुझे नहीं, मेरी डिस्टर्ब करनी है दोस्तों। ये जो अभी लाइफ शुरू है बस वो वही मेरी इम्पोर्टेंट, मतलब मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। तो नंबर भी इसलिए मैं अभी वो वीडियो बनाया था मैंने, तो इसलिए ही बनाया था कि मुझे मेरा नंबर सबको नहीं देना। जो भी है आप ईमेल कीजिए, मैं ईमेल के रिप्लाई देता हूँ, कमेंट्स कीजिए, कमेंट्स के रिप्लाई देता हूँ। बहुत दिन हो गए थे आपसे बातें करे हुए, मतलब कुछ तो मिस लगता है दोस्तों, जब वीडियो नहीं बनाता हूँ तो मिस लगता है। अभी अच्छा लग रहा है दो रानी, देखता हूँ टॉपिक निकाल के। अभी बहुत सारे टॉपिक्स है एक्चुअली मेरे पास, मगर थोड़ा सा टाइम नहीं मिल रहा है, ठीक है। मगर अभी हफ्ते में चार वीडियोस डालने की कोशिश करूंगा, चार या पांच, मतलब हर दिन, हर एक दूसरे दिन। टॉपिक मुझे ख़त्म करने हैं सब टॉपिक्स पे, मतलब कौन सी फील्ड की जॉब कैसे ढूंढनी है ये टॉपिक पे। और फ्राइडे को हम लोग फिर मिलेंगे चलते चलते, मतलब लाइव पे मिलेंगे, यूट्यूब लाइव पे दोस्तों, वहाँ पे भी आपके क्वेश्चंस के आंसर कर दूंगा। और ये टुकड़ों का कलेक्शन अभी शुरू है, ठीक है, पूरा कलेक्शन होने के बाद मैं उसकी एड डालूंगा, ठीक है। कलेक्शन मतलब मैं अभी क्या कर रहा हूँ टुकड़ों के लिए कि सब तरह की जॉब उसमें हो। बहुत सारे बंदे पूछते हैं सर हमारी जॉब उसमें नहीं मिली, ये जॉब नहीं है, वो जॉब नहीं है, तो ये प्रॉब्लम हो रही। तो आपके फीडबैक से ही मैं थोड़ा इम्प्रूवमेंट करता हूँ हर मेरे वीडियो में, ये चाहिए लोगों को, वो चाहिए। कई वीडियो में व्यूअर्स के रिप्लाई पे ही बनाता हूँ, कभी कभी मेरे दिमाग में पॉइंट नहीं होता है वो कि किस पर वीडियो बनाना है, तो फिर आपका रिप्लाई देख के ही मैं वीडियो बनाता हूँ। चलो कुछ नहीं, बस नीचे लगे रहिए रुपए के, हो जाएगा काम, ठीक है। खुद के काम पर भी ध्यान दीजिए, आप जहाँ पे काम करते हो, अगर बंदा आप प्रेशर हो तो टाइम वेस्ट मत कीजिए दोस्तों। आप वहाँ पे इंडिया में ही काम ज्वाइन करना है खुद को, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस मिलना वो भी इम्पोर्टेंट है। खाली बैठ के दुबई के स्लिप जॉब अगर आप देख रहे हो तो ऐसा मत कीजिए, ठीक है। वहाँ का एक्सपीरियंस भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे कोई आपको ट्रेनिंग नहीं देता है, आपको आने पर डायरेक्टली काम पे लगा देते हैं, ठीक है। फिर मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप दुबई नाम से अगर दुबई में आ रहे हो, मतलब दोस्तों को दिखाना है दुबई में काम करते हो, रिश्तेदारों में कोई मुझे पूछता नहीं, रिश्तेदारों को दिखाना है दुबई में काम करते हो, तो बताइए दोस्तों।
अगर आपको सच्चे दिल से काम करना है, हार्ड वर्क करना है, आपको ज़्यादा पैसे कमाने हैं, तो ही आप दुबई में आना है। ये ऐसे मतलब किसी को दिखाना है, किसी को नीचा दिखाना है, इसके लिए नहीं, ठीक है, ऐसा मत कीजिए। मतलब चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, बहुत सारी बातें कर ली, वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है ऐसे बातें करते बैठे तो, ठीक है। चलो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।